एवरीबडी दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोविंद लो सो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फॉर्म फिलअप के दौरान या रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर कोई मिस्टेक हो जाती है कोई छोटी मोटी कोई एरर हो जाती है जैसे कि नाम में एड्रेस में या फिर परसेंटेज में या सिग्नेचर में या फोटोज फोटोज के वक्त तो रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर ये सारी गलतियां कुछ होती है तो हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे हाउ वी विल रेक्टिफाई दो मिस्टेक्स तो इसके लिए देखिए आपको एक छोटा सा काम करना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल गोविंद लो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए और हाँ फेसबुक पर मेरा पेज है गोविंद लो उसे फॉलो करना मत भूलिएगा तो आई हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो बी है वो हमें मतलब लिंक प्रोवाइड करते हैं उस लिंक पे प्रोवाइड उस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो होम पेज में जाके स्टेप बाय स्टेप्स जो भी है आपने जो भी गलतियां की हैं आप अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने दिया था उसको आप अगर वहां पे ऐसे सर्च करेंगे तो आपका जो है वो जो भी आपने इंफॉर्मेशन दिया था वहाँ पे वो खुल के आ जाता है पेज ठीक है तो उस पर जाके आप एडिट कर सकते हैं लेकिन कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि लिंक उन्हें नहीं मिल रहा है तो बार काउंसिल की ओर से इस बार कोई लिंक नहीं आया है ऐसा देखा जा रहा है तो और एक ऑप्शन आपके पास जो है वो ये है कि आप मेल कर सकते हैं बीसीआई को जी हाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया को आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं मेल में आप उन्हें यही बताएंगे कि जैसे कि आपने अपना नाम तो सही लिखा लेकिन एड्रेस अगर आपका गलत हो गया उसमें ठीक है जैसे कि मान लीजिए कुछ भी एड्रेस आपने दिया था एक्स वाई जेड लेकिन उसके जगह अगर आपको चेंज करके आप उन्हें ए बी सी लिखना है या फिर जी एच आई जो भी लिखना है तो वो आप मेल कर सकते हैं बीसीआई को सारा कुछ कि मेरा नाम ये था लेकिन गलती से ये हो गया खैर नाम में तो किसी का मिस्टेक होता भी नहीं है एड्रेस में कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन uh, नंबर या रोल नंबर या फिर किसी भी तरीके से कोई भी मिस्टेक अगर आपसे होता है तो आप बीसीआई को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि बीसीआई आपको तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं ठीक है लेकिन कई लोग मुझसे कह रहे थे कि बीसीआई को मेल ऑलरेडी हम कर चुके हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है तो इसमें तो देखिए मैं या आप इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा अगर आपने पेमेंट ऑलरेडी कर कर दिया है तब तो चांसेस बहुत कम हैं कि जो मतलब आपने जो रिक्वेस्ट किया है जो भी आपने चेंजेस करने को कहा है बी से वो शायद ही देखेंगे लेकिन कई बार बी तुरंत रिस्पॉन्स भी करते हैं तो आप प्लीज़ वेट करिए और बहुत ही जल्द आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है आपको आप प्लीज़ जो आपने ईमेल आईडी दिया था रजिस्ट्रेशन के वक्त उस ईमेल आईडी को चेक करते रहिए जो बीसीआई है वो आपको नोटिफिकेशन देंगे कि आपका एडमिट कार्ड अभी रेडी है हो चुका है इस लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है और ये जो करेक्शन का मैंने आपको बताया इसके लिए आप बी को मेल करिए इसका डेट एक्सटेंड हुआ है टेन अक्टूबर तक का डेट था लेकिन अभी इसका डेट हो चुका है फिफ्टीन ऑफ अक्टूबर तो आज ऑलरेडी ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर हो चुका है तो आप प्लीज जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और भी कोई भी रजिस्ट्रेशन के समय अगर आपसे कुछ गलती हुई है ठीक है कोई भी मिस्टेक्स कुछ भी एरर अगर आपने किया है तो आप उसे जल्द से जल्द रेक्टिफाई करिए बीसीआई को मेल करके तो बीसीआई को अगर आप मेल करेंगे तो आपको जरूर रेस्पॉन्स करेंगे आपको बस वेट करना है बीसीआई के नोटिफिकेशन का मेल को चेक करते रहिए क्योंकि आपके एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी या आगे जो भी जानकारी वो सब आपको बीसीआई मेल करेंगे तो आपने जो इमेल आई दिया है उस मेल को आपको चेक करते रहना है तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करे और दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर एवरी वन गुड नाइट